हज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस बारी 2023 में जो हज होने जा रहा है इसके हवाले से अहम तरीन इतला जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हज के हवाले से ख़बर निकल कर आ रही है कि 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें हज के लिए डिसअलो कर दिया गया है, यानी कि वो बच्चे हज के लिए नहीं जा सकते हैं, वो इस बारी हज का ये सफ़र नहीं तय कर सकते हैं। उनके हेल्थ की सेफ्टी को और सिक्योरिटी को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी हुकूमत की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि 12 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उन्हें हज के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे पास ये इतला निकल कर आ रही है कि जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें इस एग्रीमेंट में लगभग करीबन 1,75,000 से ज़्यादा जो हज आज़मीन हैं वो हज के सफ़र पर रवाना होंगे और जिसमें कि कई सारे एप्लीकेशंस कई सारे फॉर्म्स जो हैं वो 12 साल की उम्र तक के बच्चों के भी जो हैं वो फिल किए हुए हैं। अब वो एप्लीकेशंस विड्रॉ कर दी जाएंगी, फॉर्म्स वापस कर दिए जाएंगे, एप्लीकेशंस वापस कर दी जाएंगी और यकीनन तौर पे जो बच्चे 12 साल की उम्र तक के हैं उन बच्चों को जो है वो इस बारी हज के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज के इस सफ़र में अल्लाह ताला सब लोगों को खुश आबाद रखे और सब लोग अपना हज जो है वो मुकम्मल करके आएँ। और हज के हवाले से अहम तरीन इतला निकल कर आ रही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि 12 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उन्हें हज के सफ़र पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस बारी 12 साल के उम्र तक के बच्चे जो हैं वो हज नहीं कर सकते हैं। ये सऊदी हुकूमत की जानिब से भी फैसला लिया गया है और हज कमेटी की जानिब से भी फैसला लिया गया। हालाँकि इस बारी हज पहले के मुकाबले में 80,000 रुपये सस्ता है, यानी कि पहले के मुकाबले में इस बारी जो है वो 80,000 रुपये तक की हज की जो कीमत है उसमें कमी की गई है। ये सबसे बड़ा अच्छा सरकार का फैसला है और मोदी गवर्नमेंट का भी सबसे बेहतरीन फैसला है कि हज के लिए 80,000 रुपये जो हैं वो कम किए गए हैं। और 80,000 रुपये तक अगर किसी हाजी को हज में कमी मिलती है तो वो एक बड़ी राहत की सांस ले सकता है। और 12 साल तक के बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी को लेकर उनकी सेफ्टी को लेकर इस बार ये फैसला लिया गया है कि 1,75,000 जो हाजी यहाँ से हज के सफ़र पर रवाना होंगे उनमें 12 साल की उम्र तक के बच्चों को बिल्कुल भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और जिन लोगों ने एप्लीकेशंस लगा दी हैं या जिन लोगों ने एप्लीकेशंस फिल कर दी हैं उनके एप्लीकेशंस को वापस कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा और 12 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो हज के लिए इस बारी नहीं जा सकेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आते वक्त में जिन बच्चों की ख्वाहिश है जो मदीना पाक जाना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए वो लोग नेक्स्ट बार ट्राई कर सकते हैं। इस बार फ़िलहाल सरकार ने फैसला लिया है कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों को हज के लिए जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि 4 खातून जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाकर हज के लिए जा सकती हैं, 45 साल से ऊपर की जो खातून हैं वो बिना महरम के जो है वो अपना हज तय कर सकती है, हज के लिए जा सकती है। ये भी इसमें बड़ा फैसला लिया गया है और 80,000 रुपये हज को सस्ता किया गया है इस बारी, ये भी एक बड़ा बेहतरीन फ़ैसला लिया गया है। 12 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो हज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से, उनके हेल्थ के हवाले से कई सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को लेकर सरकार ने ये बड़ा फ़ैसला लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस फैसले में हज कमेटी की जानिब से भी इस फैसले को वेलकम किया है। और सऊदी हुकूमत ने भी जो बायलेटरल एग्रीमेंट किया है उसमें जो सऊदी हुकूमत की कुछ कंडीशंस हैं उनमें ये भी है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चे को जो है वो हज पे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, 12 साल से बढ़कर जो बच्चा है वो हज के लिए जा सकता है। तो फिलहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर दें। देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ, अस्सलाम वालेकुम।